हेलो। हेलो सर, क्या मेरी बात अनिकेत जी से हो रही है? हाँ जी, अनिकेत जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईबीएन। आप थोड़े टाइम पहले हमारी कंपनी में इंटरव्यू देके गए थे, सो आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। ओके ओके ओके, आप मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। वाह यार, मेरी जॉब लग गई। जब ये गुड न्यूज़ मैं नम्रा को सुनाऊंगा वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। अभी फोन करता हूँ उसको। अरे इसी को फोन करने जा रहा था पर इसका ही कॉल आ गया। कितनी लंबी उम्र है इसकी। हेलो हेलो अनिकेत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम अभी मिल सकते हैं? हाँ मिलते हैं ना, मुझे भी तुम्हें मिलकर कुछ बताना है। ओके। यस। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों हो? अनिकेत, दरअसल बात ये है कि तुमने पापा से हमारी शादी के लिए बात की थी ना, और पापा ने तुम्हें टाइम भी दिया था सेटल होने के लिए, बट उस टाइम को खत्म हुआ बहुत टाइम हो गया है अनिकेत, और अभी तक तुम्हारी कोई जॉब भी नहीं लगी है। और ये सब चलते हुए मेरे पापा ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी। नाउ We are no more together. अपना ख्याल रखना। अनिकेत, तुम भी तो कुछ बताने वाले थे ना? जब रिश्ते ही खत्म हो गए हो तो फिर कुछ बता कर क्या फायदा? मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा, जानो ना मैं कब हूं खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है खफा। ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। लेकिन लगी होना नहीं कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। तुम्हें पता है मैं ना हमेशा से चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरे नखरे उठाए, मेरा गुस्सा झेले, मुझसे बहुत प्यार करे और मुझे स्पेशल फील कराए। तुम ना बिल्कुल वैसे ही। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है, कहे ऐसी जिनकी मंजिल ढूंढो मुझे, अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसे है मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। नम्रा, जब हमारी शादी होगी ना तो मैं अपनी बारात में भी नाचता हुआ आऊंगा। अच्छा, कैसे? ऐसे। और वो सपने मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा, जानो ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है खफा। अनिकेत यार, प्रेजेंटेशन में तो तुमने कमाल ही कर दिया आज। बॉस तो बिल्कुल इंप्रेस हो गए। अच्छा, वो न्यू डिज़ाइन कौन से लैपटॉप से बनाया तुमने? मेरे कंपनी वाले लैपटॉप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं फीचर। ये देख, ये अभी मैंने नया लैपटॉप लिया है, इसमें ब्रांड न्यू एडिट फीचर्स हैं। पूरे 1 लाख का लैपटॉप है। औसम यार। अरे
ये तेरा फोन भी नया? हाँ यार, कैसे खरीदा ये? तेरी मेरी तो सैलरी भी सेम है ना, फिर कैसे? यार मुझे ना वो थोड़ा गेम वेम खेलने का शौक है, तो मैं माय जैकपॉट 777 पर गेम खेलकर पैसे कमाता हूँ। तू भी ज्वाइन कर और वहां से तू भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। वाह यार, रुक और ये देख, इसमें तू 30 प्लस स्पोर्ट्स और 1000 प्लस कैसीनो गेम्स खेल सकता है, और तुझे जॉइनिंग बोनसेस, रेफरल रिवॉर्ड्स एंड लकी जैकपॉट प्राइजेस जैसे प्राइजेस भी मिलेंगे। एकदम सेफ एंड सिक्योर है ये। और रुक, मैं ना तुझे रेफर करता हूँ और अपने बुकमेकर का नंबर भी देता हूँ, तू भी आज से स्टार्ट कर दे। वाह यार, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। और यार ये गुप्ता की फाइल है, ये कंप्लीट करके बॉस को दे दियो यार। ठीक है, दे दूंगा। तू बियर पी गया? पी कर नहीं आया, पी रहा हूं। नीचे रख, नीचे रख। अबे खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। एक काम करियो, ये फाइल है ना, बॉस के पास कल लेके जाइयो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, पता चल गया तो बॉस को। और यार ये ऑफिस में पीना वीना बंद कर यार, ठीक नहीं है। ठीक है, चल मिलता हूँ मैं। ओके। जब से हम ऑफिस में मिले ना, मैं तभी से नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कोई बात है जो तुझे अंदर से बहुत ही परेशान कर रही है। सब ठीक तो है ना भाई? तू चाहे तो मुझसे शेयर भी कर सकता है, और अब तो हम दोस्त भी हैं, और वैसे भी ना दुख बांटने से कम ही होता है। तो बता यार, ऐसी क्या बात है जिससे तू इतना परेशान रहता है? मैं परेशान इसलिए रहता हूँ क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी, वो तो मुझे बड़ी आसानी से भूल गई, लेकिन मेरे लिए उसको भूल पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, इनफैक्ट मैं तो उसको अभी तक भुला ही नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी साथ बिताने का वादा था मेरा उसके साथ, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर शायद मेरी कहानी उसके साथ नहीं लिखी थी, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। पर तू ये सब छोड़ना, हम लेट हो रहे हैं, अंदर आ जाओ ना बॉस गाली देगा। हे ऊपर वाले, मैं नहीं जानता तूने ऐसा क्यों किया, पर अब कुछ ऐसा कर दे कि मेरा दोस्त इस गम से बाहर निकल जाए और वो खुश रहे। काम खत्म नहीं हो गया तेरा? बस हो गया, शटडाउन ही कर रहा था। चला चाय पी के आते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू पियो। बे चाय नहीं है वो, अमृत है, एनर्जी ड्रिंक है, एक बार पी लेगा ना तो बार बार खींच के ले जाएगा मुझे। चल बंद करिए। चल रुक, एक मिनट। चल चला। भाई मेरी वाली दो स्पेशल, चीनी और दूध ठोक के डाल देना बिल्कुल। ले बगर चाय भी, और पी के पता कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी लगी ना? हाँ बेटे, अच्छी लगी ना, अच्छी लगी ना? हाँ बेटे, मुझे पता अच्छी लगी तेरे को, तेरी दारू से तो अच्छी है ये चाय। थैंक यू यार लाने के लिए, तो सच में काफी अच्छी चाय। अरे कोई ना यार, रोज पियेंगे भाई, मस्त चाय। बात है, हाँ बात है, अपनी यारी में बात है, कुछ बात है, कुछ तो बात है। अतरंग है, मलंग है, हर हाल में सारे संग है, कुछ बात है, कुछ तो बात है। ये जमाना जलता है तो जल कर देखे,
ये कब ली तूने? अरे वो तूने बताया था ना माई जैकपॉट 777, उसी से गेम खेल खेल के। वाह यार सही है, तू तो मुझसे भी एडवांस निकला। और क्या ऐसी समझ रहा था क्या अपने भाई को? और तू बता अब तेरी क्या रिपोर्ट चल रही है? मेरा यार देख, दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, ना ही मैंने सिगरेट को हाथ लगाया और ना ही दारू को। और थैंक यू सो मच यार, अगर तू नहीं होता ना तो मैं शायद मूव ऑन ना कर पाता। और हाँ, वो तेरी चाय सच में बहुत अच्छी है। और वो लॉलीपॉप? वो लॉलीपॉप भी बढ़िया है। बाकी यार सच में थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, एक दोस्त दोस्त की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मैं तो ये जान के खुश हूँ कि तू मूव ऑन कर चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, और इसी खुशी में ना तू घर आ रहा है कल मेरे खाना खाने। घर क्यों, कहीं बाहर बाहर चलते ना? बाहर तो खाते ही रहते हैं यार, तू बस घर आ रहा है ठीक 6 बजे, बात खत्म, आ रहा है ना? अच्छा चल ठीक है, आ जाओ। पक्का ना, गोली तो नहीं देगा? अरे नहीं गोली नहीं दूंगा, पक्का हूँ। चल ठीक है, मैं तेरे को छोड़ के फिर घर निकलता हूँ। ओके चलो चल। हाँ भाई बैठ। और घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा सुनो। हाँ। ये मेरा दोस्त और ये तेरी भाभी नम्रा। अरे खड़ी क्यों, कुछ नाश्ता पानी लाओ, दोस्त आया मेरा। एक मिनट आना। तू बैठ, मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो नाश्ते के लिए तो कुछ है नहीं, मैंने आपको कहा था ना सुबह के लेते हैं। अरे यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ले आता हूँ। अब भाई मैं 2 मिनट में आता हूँ, कुछ सामान लेके आ रहा हूँ। इतने तू पानी दो। हाँ विराट को कैसे जानते हो? वो मैं और विराट सेम ही ऑफिस में काम करते हैं। सेम ऑफिस? जॉब कब लगी तुम्हारी? जॉब तो मेरी उसी दिन लग गई थी जिस दिन तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? क्या बताता तुम्हें, जब तुम फैसला करके ही आई थी कि सब कुछ खत्म करना है। और वैसे भी मैं खुश हूं कि तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिला। विराट सच में बहुत अच्छा लड़का है और उसने मेरी भी काफी मदद की। जानती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ अनिकेत, और फिर लौट के कभी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे अतीत का साया मेरे और विराट के रिश्ते में पड़े। प्लीज अनिकेत चले जाओ यहाँ। अनिकेत कहाँ गया? वो तो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? हाँ वो एक्चुअली उसको ना कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो वो बोल के है कि विराट को सॉरी बोल देना, फिर कभी साथ बैठ के डिनर करेंगे। अरे ऐसे कैसे?
कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ, जिंदगी से चले जाओ, फोन क्यों नहीं उठा रहा और बिना बताए चला गया।